हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स में या जब कंसीव हो जाता है तब वॉमिटिंग आती है, क्यों आती है, कारण क्या होता है और उसको ठीक कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ही नाजुक समय होता है, हर कुछ तो लिया नहीं जा सकता, तो उसको आप बिल्कुल सहूलियत से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ओनली जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से 100 में से केवल 80% महिलाओं को ही वॉमिटिंग होती है, 20% को वॉमिटिंग नहीं होती है। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग सुने होंगे कि भाई इसको तो उल्टी उल्टी कुछ हुई नहीं, ये तो प्रेग्नेंट हो गई आराम से, पता ही नहीं चला। अक्सर टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि वॉमिट करना एक साइन बताया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है प्रेगनेंसी का, तो ये केवल 80% वुमेन में ही होता है। इसका रीजन ये है कि जो भी प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं उनका लेवल जब अप होने लगता है तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपकी आंतें हैं, उनके अंदर मोशन बहुत स्लो हो जाता है और उनके अंदर चेंजेस होते हैं, स्लो डाउन हो जाता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो जब इस प्रोसेस ये प्रोसेस ऐसा होता है तो हमको रिफ्लैक्स बढ़ने लगता है, एसिडिटी का थोड़ा सा ट्रिगर हो जाती है एसिडिटी उस समय प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से, और रिफ्लक्स आता है बार बार। तो प्रेगनेंसी हार्मोन एक रीजन है इसका। अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल एम्ब्रायज हैं तो भी वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा वॉमिट होने की तो भी वॉमिटिंग ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का पहले से ही पर्टिकुलर कुछ स्मेल के लिए सेंसेशन है तो भी वॉमिटिंग होती है, या फिर आपको मोशन सिकनेस, जैसे जिनको बस में, ट्रेन में या गाड़ी में बैठने से वॉमिटिंग होती है, जिनको इस तरह का कुछ सिकनेस है, मोशन सिकनेस, उनको भी वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा होती है या बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वॉमिटिंग होने का सही समय क्या होता है, कब होती है वॉमिटिंग, तो 9th week ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 13th week, 9 से 13वें हफ्ता जो होता है ना, ये जो टाइम, ये वॉमिटिंग का पीक टाइम होता है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट हार्मोन का इस टाइम पे रिलीज होता है जो कि एकदम पीक पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले अगर किसी को वॉमिटिंग हुई तो खराब है, नहीं, बॉडी टू बॉडी हर चीज डिफर करती है, हर चीज वेरी करती है, लेकिन 9 से 13 हफ्ता पीक टाइम होता है वॉमिटिंग का। उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको इससे पहले नहीं हुआ, इस दौरान थोड़ा बहुत भी या थोड़ा ज्यादा जिस तरह से हो सकता है। तो पैनिक का कहीं कोई पोजीशन स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग को बिल्कुल आराम से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले वॉमिटिंग अगर ज्यादा होती है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, जिससे आपको चक्कर आएगा, जिससे आपको बिल्कुल सिर घूमता सा लगेगा, फैंट फील करोगे, बीपी लो रहेगा, लो फील करोगे, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं होगी। उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है ORS। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बिल्कुल अनबायस तरीके से अगर कुछ डॉक्टर बताएंगे, कहेंगे आप ORS पीजिए, बॉइल्ड वाटर को कूल करके उसमें आप ORS बना के रखिए, एक बार नहीं पीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप एक ग्लास पियेंगे तो वॉमिट होगा। आपको उसको दो दो घूंट पीना है, पास में रखिए ढक के, एक ग्लास को आप 2-3 घंटे में फिनिश कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पी के, आधा ग्लास, पौन ग्लास, दो दो घूंट करके पीजिए। इसके साथ कोकोनट वाटर बहुत ही बेनिफिट करता है, और प्लेन वाटर भी पी पा रहे हैं तो आप उसको पीजिए, लेकिन थोड़ा ORS ऐड करके पियेंगे तो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का इम्बैलेंस हो गया है वो भी रिस्टोर हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर जब वॉमिटिंग होती है तो एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में एक टैबलेट देते हैं, तो वो टैबलेट भी आप लें, साथ ही कोकोनट वाटर लें, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट करती हैं और आपको लो नहीं फील कराने देती। वॉमिटिंग आएगी लेकिन आप इतना ज्यादा आपकी बॉडी में लो फील नहीं होगा, आप ठीक रहोगे अगर आप ये सारी चीजें लेते रहोगे। फ्लूड इनटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए आपका। साथ ही वॉमिटिंग रोकने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सुबह जब आप सो के उठते हैं तो बेड में ही बैठे रहिए, सिरहाने कैसे भी साइड टेबल पे रखिए, टोस्ट रखिए, कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ड्राई टोस्ट, उसमें कुछ नहीं ऐड करने का है आपको, एक ड्राई टोस्ट आप खा लीजिए बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले, उससे भी कार्बोहाइड्रेट्स का भी रोल है हमारे जो रिफ्लक्स उठता है उसको रोकने में। तो इस तरह से वॉमिटिंग क्यों होती है, कब होती है और उसको ठीक कैसे करिएगा आप खुद से, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है अगर ज्यादा होने लग जाए तो ये वीडियो आप खुद भी देखिए पूरा और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बहुत आसान तरीके से इस कंडीशन को, इस फेज को
पास करने में हेल्प होगी। तो बने रहिएगा इस तरह से YouTube सहेली पे, और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जरूर जाएं। प्रेगनेंसी केयर, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्ट, सिम्टम्स, लाइव टेस्ट, बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं, तो उन्हें जरूर देखिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव्स में, जानने वालों में, नीडी पर्सन में। जल्दी मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।